हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉरसेट एम्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है, राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए अपने मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। मेरे को पता है आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़रूर मिलेगी नौकरी। किस में? राजस्थान में। कहाँ पर? अपने घर के पास। क्या बन के? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के। नहीं करनी प्राइवेट नौकरी, खुद बनना है डॉक्टर। तो यही बात अगर आप माइंड के लेकर चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100% है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सपने पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, याद रखना मेरे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट में काम करते हो, जॉब करते हो अभी, पर जॉब के साथ इतना पढ़ो कि NHM वाले बोले, ली क्या बोले कि लो डॉक्टर साहब आप अपनी पोस्ट ले लो, ज्वाइन करो। क्या? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, थोड़ा सा मोटिवेट था। तो अपना आज का डायरेक्ट अपना टॉपिक लेके चलता हूँ। क्या? डेमोग्राफिक डाटा इन इंडिया। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन बन सकता है और मेडिकल का भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आता है हमेशा, ठीक है। तो इसके अंदर आप अपनी जिद बना लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता, और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ना साथ में। आपको कोई भी चीज़ की कमी हो, या कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई भी इस टॉपिक का वीडियो बनाना हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। जो भी मेरे चैनल इस वीडियो को देख रहा हो, कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को यही मांग है। मुझे तो पता है क्या क्या आती है, पर मुझे बच्चों की बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं ना। मुझे पता है कि मेरे दोस्त जो मेरे जूनियर है वो भी इंटेलिजेंट है। तो आप फीडबैक दिया करो मुझे कि कौन से पे टॉपिक पर वीडियो बनाना है, मैं ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। तो अपना डायरेक्ट अपना टॉपिक लेके चलता हूँ, डेमोग्राफिक डाटा इन इंडिया। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ उसका डायरेक्ट आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अपना दोस्त लेके चलता हूँ डेमोग्राफिक डाटा इन इंडिया। जी हाँ, डेमोग्राफिक डाटा इन इंडिया यह एक अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्ज़ाम में, मोस्टली मिलते हैं। तो क्या पता राजस्थान CHO के अंदर भी आ जाए। तो अपने को ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना जिसके अंदर क्वेश्चन ना आ जाए, है ना। सभी को पढ़ना अपने को, ठीक है। तो ये भी सिलेबस में आया हुआ है। तो आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हाँ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कितनी है, तो आपको याद रखना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 640 इन इंडिया। नेक्स्ट बात करूँ अर्बन पॉपुलेशन, हाँ जी अर्बन के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है इंडिया के अंदर, तो आपको याद रखना इंडिया के अंदर अर्बन यानी क्या शहर और रूरल मानी गांव, तो अर्बन के अंदर रहती है 31.14 है ना, है ना 31.14% कितनी पॉपुलेशन रहती है अर्बन शहर में रहती है। नेक्स्ट है एलिजिबल कपल, जी हाँ एलिजिबल कपल कितने इंडिया के अंदर, तो आपको याद रखना 19% क्या एलिजिबल कपल होते हैं। अब आप कहोगे सर एलिजिबल कपल क्या होता है, तो मैं हूँ ना बताने के लिए, डोंट वेरी। जितनी 15 से 45 क्वेश्चन आए तो 49 भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कि जितने भी इस एज ग्रुप के जो भी क्या है ना बच्चे जो भी है, तो किस में आएंगे एलिजिबल कपल के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है कि बूढ़े लोग कितने हैं, ठीक है 60 साल से ज़्यादा, ठीक है एलडी, तो आपको याद रखना बूढ़े लोग है 8.3% कितने हैं बूढ़े लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलता हूँ क्या, Under 5 चिल्ड्रन कितने हैं इंडिया के अंदर, Under 5 इंडिया के अंदर चिल्ड्रन पूछ ले तो आपको याद रखना 9.3% है, कितने 9.3% Under 5 चिल्ड्रन है, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना है लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ जी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी, तो आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, ठीक है। कितनी है 17 स्क्वायर फीट पर किलोमीटर है, किसमें अरुणाचल प्रदेश में। लेके चलता हूँ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, जी हाँ हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, तो आपको याद रखना केरला के अंदर 1084 फीमेल पर 1000 मेल पर है। हाँ याद रखना कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के अंदर, ये क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है ये राजस्थान CHO के अंदर क्वेश्चन बन जाए कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, तो आपको याद रखना हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला के अंदर 1084 फीमेल 1000 मेल के ऊपर, यानी 84 फीमेल ज़्यादा है ना 84 फीमेल ज़्यादा है किस से मेल से,
तो ये अच्छी खब बात है, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो किस में है, तो हरियाणा के अंदर। हाँ जी, हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा को जानता हो, जो हरियाणा के बिलोंग करता हो, वहाँ पर पता होना चाहिए कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो है ना, वहाँ पर लड़कियाँ नहीं है, हरियाणा में लड़कियाँ बहुत कम है, ठीक है। और बात करूँ नेक्स्ट की, एक प्रोग्राम चालू हुआ था, हर एग्ज़ाम में प्रोग्राम वो नाम आता है, बेटी बचाओ, है ना, बेटी बचाओ प्रोग्राम, वो कहाँ पर लागू हुआ, तो आपको याद रखना हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर, हर एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया है, हर एम्स के अंदर क्वेश्चन आया है, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना बात है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछे आप तो आपको जो केरला के अंदर 94%, 94% हाईएस्ट क्या है, लिटरेसी रेट है। तभी तो आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में केरला की नर्स मिलेगी, और तो और ऑल कंट्री के अंदर, ऑल कंट्री के अंदर भी केरला की नर्स मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड एरिया है कौन, केरला स्टेट है। आपने कहीं नर्सिंग की हो तो वहाँ का प्रिंसिपल देखना कौन है, केरला की मैडम। आपने कोई सी गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग की हो तो वहाँ देखना कौन है, केरला के मैडम। तो आपको याद रखना कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछे कहाँ की है, इंडिया के अंदर, तो आपको याद रखना केरला स्टेट के अंदर। लेके चलता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट, हाँ जी, लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है, तो आपको याद रखना बिहार के अंदर कितनी है, 64%, 64%, और केरला के अंदर 94% है क्या, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। तो बिहार के अंदर सबसे जो गरीब राज्य है बिहार, और इसके अंदर पढ़े लिखे भी लोग बहुत कम है, कितने परसेंट पढ़े लिखे आपको याद रखना, 64% लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। अब बहुत से मेरे जूनियर को साथ वालों का कहाँ सिलेक्शन हुआ है, बिहार CHO में हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर बिहार CHO डॉक्टर बन के आप वहाँ की लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि वहाँ के पढ़े लिखे लोग नहीं है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ क्या, कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा आपको पूछ ले कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग या कौन, तो आपको याद रखना कोंडम। हाँ जी, कोंडम हर जगह मिलता है, हर जगह मिलता है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है क्या फैमिली प्लानिंग का, कितना, 48.1%, 48.1%। और इसके बारे में कब लागू हुआ था, और एक HDC स्कीम है ना, HDC स्कीम, मैंने पूरा विवरण दे रखा है 10 मिनट की वीडियो में, आप ज़रूर देखना। कौन से वो प्रोग्राम था ना, कौन सा, RMNCH+A प्रोग्राम, उसके अंदर मैंने पूरा बता रखा है ये HDC वगैरह या फैमिली प्लानिंग की, है ना। और फैमिली प्लानिंग का मैंने बहुत सुंदर वीडियो बना रखा है, फैमिली प्लानिंग का अकॉर्डिंग टू CHO ही बनाया मैंने, NHM की बनाया, ज़्यादा कुछ डीप नहीं पढ़ाया, और 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा फैमिली प्लानिंग विथ कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। तो आप चैनल के साथ हमारे साथ बने रहो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ आप कमेंट भी करो, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, या किसी टॉपिक का वीडियो और बनाना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और शेयर करना अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ, ठीक है।